वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्मॉल फंक्शन का जो यूज है वो कैसे किया जाता है एक्सेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फंक्शन एग्जामिन्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड पिक द वैल्यू एट अ यूजर स्पेसिफाइड पोजिशन इन द लिस्ट। सिंटेक्स जो रहेगा इक्वल टू स्मॉल विद इन ब्रैकेट लिस्ट ऑफ नंबर टू एग्जामिन आफ्टर दैट पोजिशन टू पिक फ्रॉम। फॉर्मेट नो रिक्वायरमेंट। तो आइए सिंटेक्स को प्रॉपरली समझने और इसको अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं गिवन एग्जांपल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट की हुई है, जैसे कि 120, 800, 100, 120 एंड 250। अब मैंने इन वैल्यूज में चेक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लोएस्ट वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, बट मैं आपको फिर से अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि जो आंसर है वो मैंने कैसे सॉल्व की। तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे इक्वल टू स्मॉल फंक्शन का, उसके बाद आप उस वैल्यूज की सीरीज को सेलेक्ट कर देंगे जहाँ से आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करनी है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और क्योंकि हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू चाहिए इसलिए मैं नंबर 1 मेंशन कर रही हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको जो आंसर मिलेगा सबसे लोएस्ट वैल्यू का आंसर मिल जाएगा उस कंप्लीट वैल्यू की रेंज में से। एज उस मैं सेकेंड भी आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी स्मॉल विद इन ब्रैकेट, आप सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट वैल्यूज की सीरीज। आफ्टर दैट सेकेंड लोएस्ट वैल्यू चाहिए इसलिए आप यहाँ नंबर पुट कर देंगे सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सेकेंड लोएस्ट वैल्यू है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी तरह मैंने बाकी के भी जो फंक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको उसी फंक्शन के थ्रू ही मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। So the following table was used to calculate the bottom three sale figure between Jan, Feb and March. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे हमने जो 3 मंथ्स है उनका डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट प्रेजेंट मिक्स है। तो अब इस कंप्लीट डाटा में से हमने चेक करना है लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, आफ्टर थर्ड लोएस्ट वैल्यू। पहले हमने चेक किया सिर्फ एक कॉलम की सीरीज में से, अब हम चेक करेंगे जो कि ऑल डाटा जो भी डाटा दिया हुआ उसमें चेक करते हैं। तो आइए अप्लाई करते हैं इसको इक्वल टू स्मॉल, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट एरे। यहाँ पर 1 और 2 रेंज नहीं सिलेक्ट करनी, जितना भी एरे गिवन है, जितना भी डाटा गिवन है आप उस कंप्लीट एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे 1, क्योंकि हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू चाहिए इसलिए 1 लिख रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डाटा में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो क्या है, 2000 है। अब सेकेंड लोएस्ट वैल्यू चेक करनी है तो प्रोसेसर बिल्कुल सेम वही रहेगा, आपको चेंज नहीं करना। बस आप जब सिलेक्शन करेंगे एरे का, सिलेक्शन करने के बाद आप जो डिजिट है वो चेंज कर देंगे, यानी जो नंबर है वो आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड लोएस्ट वैल्यू चाहिए। एट लास्ट हम इसको भी नेक्स्ट को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, हमने एरे सेलेक्ट किया और उसके बाद क्योंकि थर्ड लोएस्ट वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 3 पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आंसर है लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट और थर्ड लोएस्ट आपको वैल्यू है यहाँ पे इजीली मिल गई है। नो ट्रीट कर लेते हैं। अनदर वे टू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू वुड हैव बीन टू यूज द मैक्स एंड मिन फंक्शन, यानी कि अगर आपको कहीं भी डायरेक्टली लोएस्ट यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू शो करनी है, तो उसके लिए मैक्स और मिन फंक्शन का जो है यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये डाटा गिवन है, अगर मैंने चेक करना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैक्स ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, आप उन सीरीज को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें से आपने मैक्स नंबर देखना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू वो मिल जाएगी। सेम इसका अपोजिट हम ले लेंगे मिन, अगर आपने लोएस्ट वैल्यू चेक करनी है। तो सिलेक्शन करने का जो वे रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, आपने कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू यानी कि लोएस्ट वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। होप सो आपको स्मॉल फंक्शन का यूज जो है इजीली पता चल गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिए। थैंक यू।